खबर को, थाने में 17 छात्रों ने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि 2015 में देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज संस्था चितावत में पढ़ाई के लिए डिप्लोमा एंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन एडमिशन के लिए लाखों रुपए फीस डॉक्यूमेंट जमा किए थे, जिसके बाद फर्जी तरीके से परीक्षा करवाई गई। उसके बाद रिजल्ट भी नहीं आया। लगातार 3 साल तक 17 छात्र परेशान होते रहे। उसके बाद छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने पर रिजल्ट रोकने और अन्य अनियमितताएं दबाने के लिए सभी आरोपियों ने छात्रों का इस्तेमाल किया। वहीं छात्रों को इसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से करनी पड़ी। इसके बाद भंवरकुआं पुलिस ने पैरामेडिकल मध्यप्रदेश बोर्ड के सदस्य अजय हाडिया, मनीष शर्मा, पुष्पा वर्मा, दीपक पटेल, अंजू मौर्य, चंदा हाडिया पर मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के अग्रसेन चौराहे पर पास में ही मोबाइल पर बात कर रहे युवती से बाइक सवार दो बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपी रोहित और देव को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नशे की लत पूरी करने के लिए वो मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड अलग अलग थाना क्षेत्रों में मौजूद है। वहीं थाना क्षेत्रों में हुई अन्य और भी घटनाओं के मामले में आरोपियों ने खुलासा किया है। फिलहाल आरोपियों से युवती का मोबाइल बरामद किया है। वहीं अन्य और भी वारदातों के मामले में पूछताछ की जा रही है। बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आज महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान मेधा ने कहा कि महिला का एक दिन नहीं होता, हर दिन महिला का ही है, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण महिला आज दुखी है। उन्होंने नई शराब नीति को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस नीति से अब शराब रखने की जगह आजादी मिल जाएगी। वहीं समाज में हिंसा बढ़ेगी, लोगों के परिवार बर्बाद होंगे, जबकि बड़े शराब कारोबारी इसका लाभ उठाएंगे। मेधा ने कहा कि आज भी डूब प्रभावित महिलाएं और बच्चों को लेकर परिवार अंधेरे में टीन शेड में जीवन गुजारने को मजबूर है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। पार्टी में आदिवासी संस्कृति का प्रतीक भोंगरिया हाट कोरोना काल के 2 साल के बाद दूसरे दिन शनिवार को ग्राम गंधावल में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के कई गांवों के आदिवासी महिला पुरुष व बच्चे अलग अलग टोली में शामिल हुए। अधिकांश ग्रामीण अपने पारंपरिक परिधान में नजर आए, तो वहीं युवा आधुनिक पोशाक पहनकर भी भोंगरिया हाट में शामिल हुए। युवा वर्ग हाथों में मोबाइल लिए जीन्स टी शर्ट, वहीं युवतियां सूट सलवार में दिखी। शनिवार को संपन्न हुए भोंगरिया हाट में आदिवासी की परंपरा का निर्वहन हंसते नाचते व गाते किया गया। यहां पर आसपास के 30 से अधिक गांव के ग्रामीण लोग शामिल हुए। खरगोन जिले के बड़वा थाना क्षेत्र के ग्राम मुरल्ला में नाबालिग की हत्या कर रेत में दफनाने के सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस ने 22 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया है। आरोपी ने नाबालिग को शराब पिलाकर उसके साथ जबरन अप्राकृतिक कृत्य किया था। नाबालिग बालक ने घटना की जानकारी परिजनों को देने की धमकी पर आरोपी युवक ने नाबालिग बालक की पत्थर मारकर हत्या कर दी और शव को उसी स्थान पर मिट्टी की खदान में दफना दिया। घटना के बाद बड़वा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए हत्या करने वाले आरोपी अशोक मराठा को गिरफ्तार कर लिया गया है। खरगोन में तांत्रिक ढोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तंत्र मंत्र के नाम पर महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया। पति की नशे की लत को छुड़ाने के लिए सुनसान खेत में महिला को बुलाया, महिला के साथ छेड़खानी कर दुष्कर्म की कोशिश की। परिजनों की मदद से आरोपी विक्रम बाबा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। खंडवा जिले के चुचली गांव का निवासी है ढोंगी बाबा। आरोपी के पास से और मोबाइल में कई महिलाओं के फोटो पुलिस ने जब्त किए हैं। सनावत पुलिस ढोंगी बाबा से पूछताछ कर रही है। तंत्र मंत्र के नाम पर सीधी सादी भोली महिलाओं के साथ हरकत करता था। पुलिस पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं।